तमाम मंच परिवार और कहे न कहे धरती आबा वीर बिरसा भगवान मुंडा के इस तस्वीर पर दीपकाठी से पूरी तरह से नतमस्तक होकर आशीर्वाद देश प्रगना। और बड़ी कॉन्सिडेंट है, बहुत सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र के चक्रधरपुर क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री सुखराम उरांव जी, साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत चर्चित वरिष्ठ नेता आदरणीय रामलाल मुंडा जी और तमाम मीडिया कर्मी और सैकड़ों कैमरे लिए हुए कहीं ना कहीं इस मैच को लाइव कवरेज दी जा रही है। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक दोनों ही टीमों को। चाहे किस टूर्नामेंट को जीवित रखने में यहाँ के नौजवानों को जो सहयोग रहा है, कोई भी कार्यक्रम कंटिन्यू कार्यक्रम को रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ के नौजवानों ने और साथ में हमारे छोटे भाई रामलाल मुंडा जी ने के सहयोग से ये टूर्नामेंट को, ये कार्यक्रम को जीवित रखा है। मैं दिल से धन्यवाद देते हुए यहाँ इस क्षेत्र के नौ लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि टूर्नामेंट आज बहुत कम जगह पर बचा हुआ है। यहाँ पे हम लोग का बगल में टुकलों में भी एक टूर्नामेंट, बड़ी टूर्नामेंट होती है, उसके बाद चारमोड़ में एक बड़ा टूर्नामेंट होता है और गुड़ीगोड़ा में भी एक बड़ा टूर्नामेंट होता है। ऐसा कई जगह बचा हुआ है जो टूर्नामेंट देखने के लायक होता है और बाकी जगह टूर्नामेंट में गाँव के लोग अच्छी जगह बचा हुआ है, क्योंकि ये एक तरह से मनोरंजन का साधन भी है, गांव को एक साथ जोड़ के रखने का एक आधार भी इस टूर्नामेंट के माध्यम से होता है। और दूसरी तरह ये है कि हम नए नए चीज को देखते हैं, भले ही ये मैदान छोटा हो सकता है, लेकिन छोटा मैदान से ही बड़े मैदान मिलने का एक आशा बने रहती है। हर खिलाड़ी कभी न कभी छोटे मैदान में वो अपने किस्मत को आजमाते हुए बड़ा प्लेटफार्म उसको मिलता है। खेल को खेल भावना से खेलेंगे तो जरूर है कि एक ना एक दिन हमको बड़ा मंच मिलेगा। और जहां तक बात है कि ये टूर्नामेंट हम लोगों का क्षेत्र, खासकर इस क्षेत्र में, जैसा घाटी के ऊपर चल जाइएगा तो हॉकी टूर्नामेंट होता है, अगर घाटी के नीचे इधर आइएगा तो हमको कोल्हान में खासकर फुटबॉल खेल का ज्यादा चलन है। आप फुटबॉल खेल बड़े शौक से, बड़े प्रेम से खेलते भी है और देखने वाला भी देखते हैं। और ज्यादा बिना समय लिए मैं चाहूंगा कि ये टूर्नामेंट जीवित रहे, इस टूर्नामेंट का भव्यता बने रहे और अच्छा हो, इसके लिए गांव के लोगों का विशेष सहयोग जो रहता है रहेगा। और रही बात हम लोगों का जो सहयोग है, और व्यक्तिगत रूप से हम लोग पूरे इस गांव के लोगों को, इस टूर्नामेंट में जितने लोग जुड़े हुए सभी लोगों को हम लोग व्यक्तिगत रूप से सहयोग रहेगा, ऐसा टूर्नामेंट जीवित रहना चाहिए। इसके लिए मैं वर्तमान विधायक सहयोग करने के लिए सभी लोग प्रयास रहेंगे और ये टूर्नामेंट जीवित रहेगा। इन शब्दों के साथ में हमको लगता है कि देख सकते हैं कुछ लगा हुआ है। असल में बहुत बहुत धन्यवाद अपने अमूल्य वाणियों को जनता जनार्दन के साथ साझा करने के लिए। और हमेशा से ये होता आया है फुटबॉल के क्षेत्र में जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में देखने या सुनने को मिली है, ये सुनील लोहार टाटा स्टील से ही खेलता है। और अच्छी एफर्ट टूरू सोरेन के इस बार चुके सुनील, मैच को निचोड़ कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब तक कुल मिलाकर 3 ट्रायल कर चुकी है डीसी चांडिल की टीम।
और वही है डहर देश पर आरबीएफसी की टीम पिछले सत्र की बात करें जाए इस मैदान में विजेता टीम आम नहीं। मुकाबलों का दौर अभी भी लगातार चल रहा है। सबसे बड़ा डिफेंसिव हाफ के किरदार पर टाइगर असलेट पर गेंद को डाला है बाएं क्षेत्र का ये गमसिया मुर्मू पूरा शेयर बेहतरीन मौका मिली है बम बम भोले निश्चिंतपुर की टीम को और अभी भी क्रीज पर सुनील लोहार सामने दीवारें खड़ी करने की कोशिश राकेश और राम प्रसाद इस की गति फिर एक बार अच्छी डिस्टेंस पर समीर के लिए और समीर ने मानकी को ढूंढा है मुन्ना हेमरम के लिए अच्छी पास राकेश वन सके जमीनी पास राजू के लिए छोर का बदलाव करने की कोशिश प्रकाश तक गेंद को डिलीवर करने की कुछ असफल हुए हैं अभी भी गेंद विकास थोड़ी सी विंग पर एरियल पास डाली है घनश्याम के लिए और दो कप्तान प्रकाश और घनश्याम एक दूसरे के आमने और सामने चित्रात्मक ढंग से गेंद को निकाला है टाइगर की चालाकी पर लगातार देखने को मिली मैदान की आधी भूभाग पर यह मुकाबला अब तक खेला जा रहा है कहीं ना कहीं गति को बूस्ट करने की आवश्यकता यहाँ आरबीएफसी की टीम को जमीनी पास मध्य रेखा के आसपास प्रकाश गागराए टीम के कप्तान मानकी दाएं क्षेत्र के रक्षक से कंट्रोल के साथ गेंद को ट्रिगल करता हुआ खूबसूरत टैप गेंद के ऊपर मुंडा संभवता गेंद अभी भी कब्जे पर नहीं नहीं राकेश गोप लेकिन ये ब्लाइंड पास हंसले बड़ी खुशी की बात है कि समय समय पर राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र के दिग्गज हस्तियां भी जो है मंच परिवार को सहयोग करती आई है और सहयोग कर भी रही है खेल को से इस कदर चल रहा है कि यहाँ से पलक झपकने का मन नहीं कर रहा है लीजिए भाई सुनील लोहार डीसी चंडील ने एक गोल मार चुका है न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से गोलकीपर अगर डरता है तो भाई सुनील लोहार से ये राजपाल यादव है थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से गोल को नहीं राजपाल यादव लेकिन अमरीश पुरी को छोटी चाकू देख सकते हैं इसका स्थिति पूरी तरह शिकस्त किए है सुगंध आने लगी है यहाँ वंस अगेन विकास लेकिन गेंद छीन लिया है राजू ने दोस्तों हम यही और पिछले डेंस अगर आपको याद होगा डीसी चंडील एक गोल राकेश गोप अपने टीम के लिए क्या गजब के स्टेमिना दिखाते हैं वो गोल आगे थे यहाँ से मौका बनेगा प्रकाश रात के साथ गोरा चांद मारी खूबसूरत क्लियरेंस वंस अगेन काउंटर पर सुनील क्या खूबसूरत से डिफ्लेक्ट गेंद ली है टर्न अभी भी थ्रो इन करने का मौका डेंजर क्लब सांडिल बम बम भोला नसीमपुर नाम में थोड़ी सी परिवर्तित हुई है गली नुक्कड़ का बच्चा बच्चा जानता है आरवीएफसी की हस्ती का नाम है और